फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में असं सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे जी, जिहड़े कि SST मास्टर कैडेट एग्जाम के बीच आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन्हें तुसीं जरूर कर लियो। तो मेरे चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दियो जेकर हाले तक सबसक्राइब नहीं किया है। तो आप स्टार्ट करते हैं जी। पहला जो क्वेश्चन है वह है, राज सूचना आयोग का पद निम्नलिखित विचों किसकी होने के कारण बनाया गया है। तो जो राज सूचना आयोग है जी, उसकी जी पोस्ट है, पद है, वह किसकी होने के कारण बनाया गया है। तो ए ऑप्शन है जी सूचना का अधिकार अधिनियम, बी ऑप्शन है सिक्ख्या का अधिकार अधिनियम, सी ऑप्शन है केंद्रीय सूचना आयुक्त, डी ऑप्शन है उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो किसकी होने के कारण बनाया गया है जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन, सूचना का अधिकार अधिनियम होने के कारण। ठीक है जी, राज सूचना आयोग का पद जो है जी वह सूचना का अधिकार अधिनियम की होने के कारण बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राज सूचना आयोग का कार्यकाल किन्ने समय का होंदा है। तो जिहड़ा राज सूचना आयोग है जी, इसका कार्यकाल किन्ने समय का होंदा है। तो ए ऑप्शन है 3 साल, बी ऑप्शन है 5 साल, सी ऑप्शन है 6 साल, डी ऑप्शन है निश्चित नहीं है। तो किन्ना होंदा है जी कार्यकाल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन, 5 साल। ठीक है जी, राज सूचना आयोग का कार्यकाल 5 साल का होंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों केड़ा वाक राज सूचना आयोग बारे सही नहीं है। तो केड़ा वाक है जी, केड़ा कथन है जो सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है जी, राज सूचना आयोग राज दे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन है, राज सूचना आयोग नूं दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, राज सरकार नूं राज सूचना आयोग सालाना रिपोर्ट सौंपता है। डी ऑप्शन है, राज सूचना आयोग का गठन एक मुख्य राज सूचना आयोग अते ज़्यादा तो ज़्यादा 10 राज सूचना आयोगों नाल मिलके हुंदा है। तो किहड़ा वाक है जी, किहड़ा कथन है जो गलत है, सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी वह होगा बी ऑप्शन, राज सूचना आयोग को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। एक जो कथन है जी गलत है। ठीक है जी, राज सूचना आयोग को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, जेकर एक बार नियुक्त किया जाता है तो। ठीक है जी, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राज सूचना आयोग के प्रमुख अते मैंबर की नियुक्ति कौन करता है। राज सूचना आयोग के प्रमुख अते मैंबर की नियुक्ति कौन करता है जी, तो ए ऑप्शन है राज का राज्यपाल, बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है राज के मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज का राज्यपाल, डी ऑप्शन है उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो कौन करता है जी राज सूचना आयोग के प्रमुख अते मैंबर की नियुक्ति, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी ऑप्शन, राज के मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज का राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है जी, राज सूचना आयोग के प्रमुख अते मैंबर की नियुक्ति जो है जी वह राज्यपाल करता है, पर राज के मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है जी, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राज सूचना आयोग को निम्नलिखित विचों कौन हटा सकता है। तो राज सूचना आयोग को कौन हटा सकता है जी, तो ए ऑप्शन है राज का मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है मुख्य राज सूचना आयोग, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है राज के राज्यपाल। तो राज सूचना आयोग को निम्नलिखित विच कौन हटा सकता है जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, राज दे राज्यपाल। ठीक है जी, राज सूचना आयोग नूं राज दा राज्यपाल हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों केड़ी परिस्थिति विच राज प्रमुख अते किसे होर राज सूचना आयोग नूं राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो केड़ी परिस्थिति है जी इन्हां विचों जिस विच राज प्रमुख अते होर किसे होर राज सूचना आयोग नूं राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो ए ऑप्शन है जेकर वह दिवालिया हो गया है, बी ऑप्शन है जेकर वह अपनी दफ्तरी तो बाहर कोई होर नौकरी करता है, सी ऑप्शन है जेकर वह राज्यपाल की नज़र में पद पर बने रहने लिए काबिल नहीं है, डी ऑप्शन है जेकर वह ईश्वर नूं नहीं मानता है। तो किहड़ा है जी कड़ी परिस्थिति है जिस विच राज प्रमुख अते किसी होर राज सूचना आयोग नूं राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा जी वह होगा डी ऑप्शन,
जेकर वह ईश्वर नू नहीं मानता है। ठीक है जी, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जेकर वह ईश्वर नू नहीं मानता है, इस परिस्थिति में जड़ा है जी राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित विचों राज्य सूचना आयोग बारे केड़ा कथन गलत है? राज्य सूचना बारे, राज्य सूचना आयोग बारे केड़ा कथन गलत है जी इन्होंने विचों? तो ये ऑप्शन है, आयोग किसी भी मामले में उसके कोल आए मामलों में उचित आधार पर किसी तो भी पूछगिछ कर सकता है। बी ऑप्शन है, जाँच के दौरान आयोग के कोल दीवानी अदालत की शक्ति है। सी ऑप्शन, एक शिकायत की जाँच के दौरान आयोग हर तरह की जानकारी की जाँच नहीं कर सकता। डी ऑप्शन है, आयोग गलत अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। तो किहड़ा कथन है जी जिहड़ा गलत है? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा जी होगा सी ऑप्शन, एक शिकायत की जाँच के दौरान आयोग हर तरह की जानकारी की जाँच नहीं कर सकता। यह कथन है जी जिहड़ा एक गलत है, एक शिकायत की जाँच के दौरान आयोग हर तरह की जानकारी की जाँच कर सकता है। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के हरेक राज्य विच किन्ने राज्य सूचना आयोग हैं? तो भारत के हरेक स्टेट विच हरेक राज्य विच किन्ने राज्य सूचना आयोग हैं जी? तो ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है संख्या राज्यों विच वक्री होंदी है, डी ऑप्शन है 5। तो किन्ने हैं जी राज्य सूचना आयोग हरेक राज्य दे विच? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा जी होगा सी ऑप्शन, संख्या जिहड़ी है जी वह राज्यों विच वक्री वक्री होंदी है। ठीक है जी, हर राज दे विच दूजे राज्यां नालों वक्री इहदी संख्या होंदी है जी सूचना राज सूचना आयोग की। ठीक है जी, पर यह 10 तो ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है जी, राज के मुख्य सूचना आयोगों के वेतन भत्ते और होर सेवावान शर्त किस दे समान हैं? तो राज के जिहड़े मुख्य सूचना आयोग ने जी उन्हां दे वेतन भत्ते और सेवावान जिहड़ियां हैं जी उन्हां दी शर्त किस दे समान हैं, किस दे बराबर हैं? तो ए ऑप्शन है जी चोण आयोग, बी ऑप्शन है राज्य सरकार के मुख्य सचिव, सी ऑप्शन है मुख्य सूचना आयोग, डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज। तो इन्हें वेतन पते और होर सेवावान शर्त किस दे समान हैं जी? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा होगा ए ऑप्शन चोण आयोग। ठीक है जी, राज के मुख्य सूचना आयोगों के वेतन पते और होर सेवावान शर्त चोण आयोग के समान हैं। ठीक है जी, चोण आयोग के बराबर हैं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन चोण आयोग। नैक्सट क्वेश्चन है जी, वर्तमान विच भारत के मुख्य सूचना आयोग के मुखी कौन हैं? वर्तमान जी भारत के मुख्य सूचना आयोग के मुखी कौन हैं जी? तो ए ऑप्शन है श्री बिमल जुल्का, बी ऑप्शन है श्री सुधीर भार्गव, सी ऑप्शन है श्रीमती वनजा एन सरना, डी ऑप्शन है श्री देवी प्रकाश सिन्हा। तो वर्तमान विच भारत के मुख्य सूचना आयोग के मुखी कौन हैं? तो इसका जिहड़ा राइट आंसर होगा जी वह होगा ए ऑप्शन श्री बिमल जुल्का। ठीक है जी, वर्तमान विच भारत के मुख्य सूचना आयोग के मुखी श्री बिमल जुल्का हैं। ठीक है जी, जिहड़े कि मार्च 2020 चुने गए हैं। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन श्री बिमल जुल्का। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस वीक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जी जिहड़े कि SST मास्टर कैडर एग्जाम के आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, इन्हें तुम जरूर कर लियो। तो मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दियो, जेकर सबसक्राइब नहीं किया है तो बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर दियो ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम रेगुलर मिलता रहे। ठीक है जी, इस तो अलावा जो कोई क्वेरी होए, कोई क्वेश्चन होए तो मैंने पूछ सकते हो कमेंट में, मैं तुम्हें रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करांगा जी। ठीक है जी, तो मैं मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाल। उदों तक लई थैंक यू।